मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। आज हल्की फुल्की भूख लगी है, कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो ये हमारा नमकीन के पैकेट ये डालेंगे इसमें। यहाँ मैंने प्याज लिया था और ये हमारे बेसिक मसाले हैं, ये देखिए, और नमक है। इसमें मैंने लिया तड़के में प्याज लिया, हरी मिर्च लिया, दो तीन कलियां लहसुन की ली है, थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है बस। और हम इसमें डाल देंगे बाद में थोड़ी सी सोया सॉस। इसे हमें ज़्यादा नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना, क्योंकि मैंने जब तड़का रखा था ना तेल, तो ये मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, तो मैंने लहसुन पहले डाल लिया था, लहसुन हमारा भून चुका है। प्याज हमें कच्चा कच्चा ही रखना है, कच्चा भी नहीं मतलब पक जाए, ज़्यादा नहीं पकाना, गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हम लेंगे अपना मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने लिया है नमक, अब हम इसमें डाल देंगे फाइनली पोहा। साथ साथ में हमें मिक्स भी करे जाना, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना। इसमें फ्रेश फ्रेश धनिया हो तो कितना अच्छा लगता है ना, कड़ी पत्ता हो, लेकिन मेरे ऊपर मिस्त्री लगे हैं, अभी मिस्त्री ना हमारे गए हैं खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा कुछ हम भी खा लेते हैं हल्का फुल्का। अब हम डाल देंगे नमकीन, जो घर पे था मैंने उसी से बना लिया, थोड़ा सा ये वाला नमकीन डाल देते हैं, अच्छा लगता है ये वाला भी। मिक्स कर लेंगे सबको, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चटपटापन देने के लिए चाट मसाला, थोड़ा सा नमकीन मैंने और डाल दिया, लिफाफा खाली कर दिया, वो रहा बचा के क्या करना। अब आप इसे नींबू निचोड़ के सॉस के साथ, पुदीना सॉस डाल के, लाल वाली चटनी डाल के, जैसे मर्जी सर्व करें और हल्के फुल्के खाने का मज़ा लें। मैं लूँगी नींबू, इसके ऊपर निचोड़ लूँगी थोड़ा सा, चटपटा सा और हो जाएगा। थोड़ा सा नींबू हम इसमें निचोड़ लेते हैं, थोड़ा और निचोड़ लेते हैं, सर्व करने में बहुत टेस्टी बनता है ये। अनु को देती हूँ, अनु ले चख के दिखा कैसा बना। नमक मिर्च ठीक है, अगर आपको पोहा की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, पहले पहले कमेंट करें, लव यू, बाय बाय। हल्की फुल्की भूख के लिए बेस्ट ऑप्शन है पोहा। फाइनली मैं भी ले लेती हूँ पोहा, हम दोनों माँ बेटे ही हैं, चलो खा लेते हैं।